بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. कौल्ला तबारकला फलीत अकाम जू व अमन उम्मन खौफ मेरे मोहतरमदीनी भाइयों और काबिल अहतराम और बहनों अमन सलामती अल्लाह रबुलमीन की नमतों में से एक अज़ीम शाह नमच है एक इंसान को अल्लाह की तरफ से चैन सुकून का मिलना अमन अमान का मिलना ये उसके लिए कामयाबी के रास्तों को हमवार करता है कोई भी समाज जब अमन अमान में हो उस समाज में तरक्याँ और इसी तरह से तिजारत और इसी तरह से इल्मी और समाजी काम बढ़ते हैं साइंस की तरक्की इसमें होती है मीशत उसमें बढ़ती है और वो समाज फलता फूलता है लेकिन अगर उस समाज से अमन वमान निकाल दिया जाए वो समाज खौफ व ख़तरे में जीने लगे तो फिर सिर्फ़ अपने सर्वाइवल और अपनी बकाह ही की फ़िक्र उसको लगी रहती है और वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाता है आप तारीख़ अगर देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि साइंस की तरक्याँ आम तौर से ऐसे मुल्कों और समाजों में हुई जिसमें लोग अमन अमान से थे लिहाजा अल्लाह रबुलमीन की नमतों में से एक अजीम अज़ीमशान नमत जिस को अल्लाह ताल ने, ने करीम में बतौर नमत जताया है वो अमन सलामती है सूर्य क्रैश में अल्लाह फरमाता है फ़लिया बदोरब हादल्ब तो क्रैश को अरब वालों को लोगों को चाहिए कि वो इस घर के यानी काबा के रब की इबादत करें क़ाबा की नहीं बल्कि काबा के रब की इबादत करें फ़लिया बदोरबादल्बी इस घर के रब की इबादत करें अ अताम उम्मिन जोड़ जिसने उन्हें भूख की हालत में खिलाया व आमन मिन खौफ और उन्हें खौफ से अमन अमान नसीब किया खौफ से नजात देकर उन्हें अमन सलामती से नवाजा तो अल्लाह रब्लमी ने अपनी नेमत के तौर पर इस बात को बयान किया कि अल्लाह ताला ने भूख की हालत में उन्हें खिलाया एक बहुत बड़ा मसला इंसान का पेट की आग का मिटाना अल्लाह ताला ने उन्हें रिज्क दिया खाने के लिए और इसी के साथ एक दूसरी अहम नेमत अल्लाह ने बयान की वो ये कि खौफ से उनको अमन सलामती अल्लाह ताला ने अता फरमाई इसे मालूम होता है कि अमन सलामती एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह के नबी वसल्लम की एक दुआ भी ये बताती है कि ये मांगने की चीज़ है और दूसरी बात ये कि अमन सलामती का ताल्लुक ईमान से है इस्लाम से है अल्लाह के नबी वसल्लम की मारूफ सुन्नत है अब्दुलबिन ताल कहते हैं कर्न रसूल सल्ह सदार जब अल्लाह के नबी वसल्लम महीने का पहला चांद जिसको हिलाल कहते हैं पहली तारीख़ का चांद हिलाल देखते हैं। तो आप ये दुआ पढ़ते हैं अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान वईमान व सलामती वस्लाम व तोफ़ी किलिमा नब्ब तो हिब्ब तरदा रब्ला बहुत प्यारी दुआ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की शुरुआत में चांद देखकर पढ़ते थे ये रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है बल्कि पहला चाँद जिसको हिलाल कहते हैं आप उस चाँद को देख कर ही दुआ पढ़ते थे क्या दुआ है अल्मा बिल अमन ईमान अल्ला इस चाँद को इस हिलाल को हम पर नमोदार कर अमन और ईमान के साथ अमन और ईमान अमन के साथ में और ईमान के साथ व सलामती व इस्लाम और सलामती और इस्लाम के साथ और व तो़ीलिमा तो तरदा और एल्ला तोफ़ी के साथ उन अमाल की तोफ़ी के साथ जो तू पसंद करता है जिनसे तो राज़ी होता है रबना व रब्लवा हमारा रबी अल्लाह है और तेरा रबी अल्लाह है हिल से ख़िता करते हुए कहते कि हमारा रबी अल्लाह और तेरा रबी अल्लाह हम चाँद को रब नहीं मानते हम चाँद की इबादत नहीं करते हैं चांद के ऊपर हमारा एतकाद नहीं कि उससे इंसान की तकदीर बनती संवरती है कि फ़लानी अमावस है और पूनम है और उससे इंसान की ज़िंदगी के फैसले होते हैं हम नहीं मानते हैं बल्कि हम ये मानते हैं कि ये चाँद भी अल्लाह रबालमीन के हुक्म के ताबे हैं इसका एक खालिक है इसका एक मालिक है रबना रब्ला हमारा रबी अल्लाह है और तेरा भी अल्लाह है इस हदीस में बात इस हदीस को इमाम इब्ने हिब्बान और इमाम अदारमी ने रिवायत किया है और यह हदीस सही है इस हदीस से बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि हर महीना जो नया महीना आया है वो अमन अमान के साथ अमन और ईमान के साथ हो और सलामती और इस्लाम के साथ हो उससे मदीना वालों को मुसलमानों को अमन हो अमन नसीब हो और ईमान की तोफ़ी उनके अकीदे की पुख्तगी उसमें हो इसी तरह से उनके माल उनकी जान उनकी इज्ज़तें सलामत रहें और इसी के साथ उन्हें अल्लाह ताला के भेजे हुए दीन दीन इस्लाम पर चलने की तोफ़ी भी मिले हर उसमल की तोफ़ी मिले जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है और उसे राज़ी होता है इस, इस हदीस से बात मालूम होती है इस दुआ से बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लासम की निगाह में अमन और सलामती की कितनी अहमियत थी कि आप अल्लाह ताला से हर महीने की शुरुआत में दुआ करते थे कि अल्लाह हमको अमन और सलामती अता फ़रमा मज़ीद ये बात भी मालूम होती है कि कहीं ना कहीं अमन का ईमान से ताल्लुक़ है और सलामती का इस्लाम से ताल्लुक़ है अमन सलामती को आप ईमान और इस्लाम से अलग नहीं करते आप उसको अमन सलामती को ईमान से और इस्लाम से अलग नहीं कर सकते बल्कि ये ईमान और इस्लाम का नतीजा है एक बहुत बुनियादी बात याद याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि समाज के अंदर अमन आए अगर हम चाहते हैं कि समाज में सलामत रहें लोग सलामती आए यहाँ पर तो उस समाज में हमको ईमान और इस्लाम को लाना पड़ेगा ईमान और इस्लाम ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए से हकीकी मानों में वाहरी व वा बातनी दुनियावी व उखरवी अमन व सलामती इंसान को नसीब होती है किसी एक हिस्से में ज़िंदगी के आदमी को अमन मिल सकता है इस्लाम के बगैर ईमान के बगैर लेकिन हकीकी ई मानों में कामिल दर्जे में अमन और सलामती इस्लाम और ईमान के बगैर नहीं मिल सकती और आखिरत में सलामती और अमन नामुमकिन है इसका मदार ईमान और इस्लाम ही पर है कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल रब्लमी ने दुनिया और आखरत में अमन को ईमान का नतीजा करार दिया है और अमन अल्लाह की तरफ़ से अता किया जाता है उन लोगों को जो अपने ईमान को संभालें जो लोग दुनिया में अपने ईमान को सलामत रखते हैं अल्लाह ताला अपनी तरफ़ से उनको अमन व सलामती अरमाता है दुनिया में भी और आख़रत में भी हैुरान करी में सरेम में आयत नंबर बयासी में अल्लाह ताला फ़रमाता है अल्लीन आमनुलमिस ईमान अम बुलबिन वहमहत जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की यहाँ से मुराद शिर्क है अल्लाह के हक में कि अल्लाह का हक किसी और को दिया जाए ये जुल्म है अल्लाह तबादत की इबादत की बजाय बंदा लोगों की इबादत करे बुतों की सूरज चाँद सितारों की पेड़ पौधों की या इंसानों की नबियों की वलियों की या पत्थरों की इबादत करे कब्रों की इबादत करे उसने अल्लाह ताल के साथ शिर किया अल्लाह का हक किसी और को दिया अल्लाह का हक़ क्या है अल्लाह की इबादत करना अल्लाह का हक़ है अल्लादीन आमनु, जो लोग ईमान लाए वलमिसमान अमिन और उन्होंने अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की शिर से बचते रहे उलाइकम ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए अमन का वादा है इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से अमन का वादा है वह महतदून और यही लोग हिदायत याफ्ता है दो बातें अल्लाह ती दो काम करो दो चीज़ें मिलेंगी एक क्या करना है ईमान लाओ और ईमान में जिंदगी भर शिरक को मिलने मत दो जिंदगी भर उस ईमान की हिफाजत करो शिरक उसमें मिलने मत दो शैतान कोशिश करेगा कि तुम्हारे ईमान में शिरक को मिला दे मत होने दो ऐसा अल्लादीन वलम यलबिसु ईमान उसके बाद उसका वादा क्या है उस पर इनाम क्या है उलामन यही वो लोग जिनके लिए अमन है कहाँ दुनिया में भी और आखरत में भी वह महतदून और ये लोग हिदायत याफ़्त हैं अल्लाह के नज़दीक दुनिया में भी और आख़रत में भी दुनिया में सिरात मुस्तकीम की रहनुमाएँ उनको मिलेगी उस पर साबित कदम अल्लाह ताला उन्हें रखेगा उनके ईमान की वजह से और आखरत में उनको हिदायत मिलेगी यानी आखरत में उन्हें अल्लाह तन्नत का रास्ता दिखाएगा तो जो लोग ईमान लाएं और अपने ईमान को शर्क से बचाए रखें अल्लाह ताला ने उनके लिए दुनिया और आख़रत में अमन का सलामती का वादा किया है लिहाजा इससे बात मालूम हुई कि ईमान का और अमन सलामती का गहरा रिश्ता है अल्लाह की तरफ से अमान उसी को मिलेगी अल्लाह की तरफ से वही सलामत रहेगा आख़रत में और दुनिया में भी जिसके पास ईमान है जिसका ईमान शिर्क से सलामत हो अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए सलामती का वादा है शैतान से सलामती नफ़ से सलामती दुश्मनों से सलामती हर किस्म की कब्र में सलामती हर के मैदान में सलामती तो ये जहन्नम से सलामती अल्लाह ताला की तरफ से अमन का वादा उसके लिए है जिसके ईमान में शिर्क की मिलावट ना हो इसे बात मालूम होती है के ईमान का और अमन सलामती का गहरा ताल्लुक़ है इसी तरह से दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई हाकिम और हुक्मरान नहीं है सबसे बड़ा दुश्मन कोई बीमारी नहीं बल्कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो शैतान है जो उसको हमेशा हमेशा के लिए अमन से सलामती से महरूम करके जानन बनाने के लिए तैयार है रात दिन कोशिश कर रहा है आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर तरफ से उस पर हमला कर रहा है ताकि किसी तरह से वो अल्लाह का मुजरिम बन जाए और अल्लाह ताला की हिफाजत से वो निकल जाए उस शैतान से हिफाज़त किन लोगों के लिए है अल्लाह ताली क़ुरान करीम फ़रमाता है फ़ इदा क़रातल क़ुरान फ़स्ताबिल्ला शैतान रजीम तो जब भी क़ुरआन पढ़ने का इरादा करें तो शैतान और रजीम से मरजूम से जिसे आसमानों में रजम किया जाता है आग के शोले मार के भगाया जाता है तो उस शैतान से शैतान के मुकाबले में अल्लाह की पना मांग कब जब तू कुरान पढ़े फ़ैदा क़रातल क़ुर फबिल शैतानजीम और फरमा के इन लई सलहू सुल्तानदीन आमनु वबिम तवक्लूँ उस शैतान का बस उन लोगों पर नहीं चलता है उन लोगों पर नहीं चलता जो अपने रब पर ईमान लाए जो अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं मालूम है कि जिस इंसान की ज़िंदगी में ईमान हो और उसका भरोसा अल्लाह पर हो ऐसा इंसान शैतान से महफूज हो जाता है दो चीज़ें ज़िंदगी में होनी चाहिए अल्लाह की बात पर यकीन अल्लाह की बात पर ईमान और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा वो अपने सारे मामल को अल्लाह के सपुर्ट कर दे मेरी टेक्नोलॉजी मेरा नॉलेज मेरी डिग्री मेरा पैसा मेरी फॉलोइंग मेरे सपोर्टर मेरा ख़ानदान मेरे पॉलिटिकल कनेक्शन मेरी सारी चीज़ें मेरे असरात ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे मेरे काम बनते हैं नहीं अल्लाह ताला मेरे कामों को बनाता है वो चाहे तो बिगाड़ दे, सेहत तंदरुस्ती माल और दौलत दुनिया की कामयाबी खुशी ना खुशी कामयाबी नाकामी सेहत बीमारी ज़िंदगी मौत हर किस्म की चीज़ अल्लाह की तरफ से आती है अल्लाह पर भरोसा रखना कि अल्लाह हमारे कामों को बनाएगा अल्लाह के सिवा हमारे मसाइल को कोई हल नहीं कर सकता है तो अल्लाह ने फरमाया कि शैतान का ज़ोर किन पर नहीं चलता है शैतान का ज़ोर उन पर नहीं चलता है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं अल्लाह की बात पर यकीन करते हैं वालीम तोल और वह अपने रब पर तवक्कुल करते हैं तो ईमान और तवक्कुल ये दो बुनियादी चीज़ें हैं ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके नतीजे में एक इंसान शैतान से महफूज मह《हो जाता है शैतान से सलामत रहता है तो अमन सलामती जब भी ये ज़िक्र आता है हम दुनिया में फसादात हमारे जहन में आ जाते हैं किराएट्स होंगे तो क्या जालिम बादशाह होगा तो क्या सैलाब आएगा तूफ़ान आएगा तो क्या हम मादी अतबार से ही डरते हैं लेकिन हकीकत में हमें डरना चाहिए उन चीज़ों से जो हमें अल्लाह के अजाब के हकदार बनाते हैं जो चीज़ें हमें अल्लाह तला की सज़ा उसके अजब के हकदार बनाती हैं अगर डरना चाहिए तो हमें दुनिया की मुसीबतों से नहीं बल्कि हमको आखरत की मुसीबत से डरना चाहिए दुनिया के बादशाह से नहीं कायनात के बादशाह से जो दुनिया और आखिरत दोनों का बादशाह है उसकी पकड़ से उसकी सज़ा से उसके अजाब से हमको डरना चाहिए उससे हिफाजत के लिए पहली चीज़ और बुनियादी चीज़ क्या है ईमान ऐसा ईमान जो शिरक से पाक हो जिसमें शिरक की कोई आमजिश ना हो आइए देखते हैं दुनियावी अतबार से अमन वमान कैसे आता है ठीक है ये तो आख़रत के अतबार से हमने देखा दीनी अतबार से हमने देखा लेकिन दुनियावी अतबार से भी तीन बुनियादी चीज़ों में इंसान सलामती से महरूम हो जाता है जान माल और इज़्ज़त इंसान के लिए ख़तरा किन चीज़ों में होता है इसीलिए हदीस में भी आप देखेंगे कि अल्लाह के, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया तुम्हारी जान तुम्हारा माल तुम्हारी इज़्ज़त एक दूसरे पर हराम है यानी तुम किसी का माल ज़ाय नहीं कर सकते किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी की इज़्ज़त खराब नहीं कर सकते हर मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की जान माल और इज़्ज़त मोहतरम है उसको ख़राब नहीं कर सकता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लिहाजा आम तौर से समाज में इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में फसाद होता है या तो किसी की जान को नुकसान होगा मारपीट हुई कत्ल किया या फिर किसी का माल छीना चोरी झूठ धोखा गसब करना जुल्म किया या फिर किसी की इज्जत ख़राब की उसके खिलाफ मीडिया को इस्तेमाल किया उस पर तहमतें लगाई और इस तरह की चीज़ें हैं तो समाज में सलामती कैसे आती है और इसका ईमान से क्या ताल्लुक है कितना गहरा ताल्लुक़ उसका ईमान से है आइए इसको भी देखते हैं अल्लाह के नबी सल्ला सल वसम ने अमन सलामती को ईमान के साथ जोड़ा है और बताएँ कि ईमान का और इस्लाम का तकाजा है कि एक मुसलमान दूसरों के लिए अमन वाला और सलामती वाला बने मालूम हुआ कि अमन और सलामती ये एक नतीजा है इसकी बुनियाद ईमान और इस्लाम है ये ईमान और इस्लाम से पैदा होने वाली चीज़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फुदाल इब्न अबैद कहते हैं कला रसोल्लाफ़ी हजतल हजतल जो हज अल्ला के नबी सल्लासम ने किया जो अपनी वफ़ात से पहले किया था उस हज में अल्ला के नबी सल ने फ़रमायाबिर क्या मैं तुम्हें न बताऊँ कि मोमिन कौन है मोमिन कौन है और आपने खुद ही जवाब देते हुए फ़रमाया मन अमिनाफम के लोग जिससे अपने माल और अपनी जान को अमन में महसूस करें मोमिन कौन है लोग जिससे अपनी जान को और अपने माल को महफूज अमन में महसूस करें और आपने फरमाया वलमुस्लिमों ही नासमिल्लानी ही, और मुस्लिम वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग सलामत रहें आज जो हम जिस शनवान पे गुफ्तु कर रहे हैं अमन और सलामती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि मोमिन वो है जिससे लोग अमन में रहें मुस्लिम वो है जिससे लोग सलामत रहें मालूम ये हुआ कि जब हकीकी मानों में ईमान ज़िंदगी में आता है तो दूसरों के लिए ऐसा इंसान अमन वाला बनता है हकीकी मानों में जब इंसान की ज़िंदगी में इस्लाम आता है तो दूसरों को सलामती देने वाला बन जाता है तो मालूम यह हुआ कि जब तक कि जिंदगी में ईमान और इस्लाम नहीं आएगा ऐसा इंसान दूसरों के लिए अमन सलामती वाला नहीं बन सकता है लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में अमन सलामती आए तो हमको ईमान और इस्लाम को आम करने की कोशिश करना चाहिए रस्मी तौर पर नहीं हकीकी मानों में वाकई ईमान ज़िंदगी में आए वाकई इस्लाम ज़िंदगी में आए इस हदीस को जिसको मैंने ज़िक्र किया इमाम अहमद और इब्न माजा ने रिवायत किया है इसी तरह से आप देखें कि जब वाकई ईमान इंसान की ज़िंदगी में आता है तो दूसरों को तकलीफ़ से बचाने का मिजाज इंसान में पैदा होता है और अल्लाह के नबी वसल्लम ने दूसरों से तकलीफ देने वाली चीज़ों को हटाना इसको भी ईमान में शामिल किया है मालूम हुआ कि इसका ईमान से ताल्लुक़ है अल्लाह के रसूल वसल्लम फ़रमाते हैं अल अईमान बद व शोब ईमान की सत्तर से कुछ ज़्यादा शाखें हैं ईमान के शोबे हैं ईमान के कई हिस्से हैं कई शाखें हैं जैसे पेड़ की कई शाखें होती हैं तो ईमान की सत्तर से ज़्यादा शाखें हैं और आपने फ़रमाया अफलहा ला इल्लल्लाह उसमें सबसे जो आला शाख है वो कहा कि वो क्या है कऊल अला इंसान का अपनी ज़ुबान से कहना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं वह अदना व अदा इमांतल और एक बात में है वह अदनामादा अन तरीक़ और ईमान की शाखों में ईमान के आमाल में से ईमान की खसलतों में से सबसे निचला अमल अगर कोई है तो रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना मिनल ईमान और हया करना ग़लत अमल करने से शर्माना ये भी ईमान ही की खसलतों में से खसलत है शोबा का मतलब क्या ईमान की खसूसियात में से ईमान की खसलतों में से ये कि जब ईमान ज़िंदगी में आता तो ये भी आता है तो आप देखिए अल्लाह के नबी रहे हैं कि ईमान का सबसे निचला शोबा सबसे कमतर शोबा सबसे छोटी ख़सलत ये है कि एक इंसान रास्ते से ऐसी चीज़ को हटा दे जिससे दूसरों को तकलीफ़ होती है मालूम हुआ कि ईमान जब ज़िंदगी में आता है तो एक इंसान का मिजाज ये बनता है कि दूसरों से तकलीफ को हटाए जब ऐसा मिजाज इंसान का बनेगा तो दूसरों को तकलीफ़ कैसे दे सकता है और अगर समाज में सारे ईमान वाले बन जाएँ सारे ईमान वाले हो जाए तो हर मुसलमान हर ईमान वाला दूसरों को तकलीफ़ देने की बजाय दूसरों से तकलीफ़ को हटाने वाला बनेगा वैसे ही जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ कि लोग कबीला कबीला आपस में जंगे करते थे सालों साल औस और खजरज दो कबीले थे सालों से लड़ते थे कबीले लेकिन जब उनके अंदर ईमान आया उन्हें अल्लाह ताला ने इस्लाम की नेमत से नवाज़ा तो एक दूसरे के क्या बन गए भाई बन गए और एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए वो एक दूसरे की जान लेने वाले थे लेकिन जंगों में एक दूसरे की हिफाज़त करने वाले एक दूसरे की तकलीफ़ में उसके काम आने वाले बने तो मालूम हुआ कि इस्लाम जब हक़ीकी मानों में ज़िंदगी में आता है ईमान दिल में आता है तो ऐसा इंसान दूसरों से तकलीफ़ हटाने वाला बनता है इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान में जिक्र किया है इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की नफ़ी की है उन लोगों से जो दूसरों को तकलीफ देते हैं ख़ास करके पड़ोसियों को आदमी का बहुत करीबी रिश्ता जो होता है नसब के एतबार से तो रिश्तेदारों से होता है लेकिन अपने वजूद के एतबार से अपने पड़ोसियों से होता है वही उससे करीब होते हैं रोज़ाना मिलना रिश्तेदार तो दूर रहते हैं लेकिन पड़ोसी क्या होते हैं उससे जुड़े हुए रहते हैं करीब रहते हैं। बल्कि इसको कुछ हो जाए तो पहले पड़ोसी आते हैं रिश्तेदार बाद में आते हैं आदमी मर जाता है तब भी उसका जनाजा दवा खाना लाना उसके पड़ोसी होते हैं रिश्तेदार तो गाड़ी करके बाद में आते हैं पड़ोसी की अहमियत बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में होती लेकिन अजीब बात यह है कि इंसान के ज़्यादातर झगड़े भी पड़ोसियों से होते हैं पड़ोसियों से बनती नहीं है उसकी पार्किंग मेरी पार्किंग उसका कचरा मेरा कचरा उसका बच्चा पास हुआ मेरा फ़ेल हुआ उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी अच्छा वो ज़्यादा अच्छा उसका शोर शराबा उसके बच्चों की गलतियाँ मेरे घर में तकलीफ़ उसका पेड़ उसके फल मेरे आंगन में गिर रहे पत्ते या कांटे मेरे आंगन में आ रहे हैं तो अक्सर पड़ोसियों से झगड़ा होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान के ईमान का इनकार किया है जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे सलामत ना रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन का मनकाना यबिल्ला आखिर फलायु दी जा रहा हो जो आदमी अल्लाह पर और आख़रत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न दे आप देखिए पड़ोसी को तकलीफ़ न दे बाद में बोला जा रहा है पहले क्या बोला जा रहा है जो अल्लाह और आखरत पर ईमान रखता है अगर वाकई तेरे दिल में ईमान है तो तूने अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए मालूम हुआ कि दूसरों की सलामती समाज में सलामती ईमान का नतीजा है हकीकी मनों में जब इंसान की ज़िंदगी में ईमान आता है तो सबसे पहले उसके पड़ोसी उसके क़रीबी लोग उससे महफूज हो जाते हैं इस हदीस को इमाम अल-बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है बल्कि एक रिवायत में आप फरमाते हैं अबू शराह रदी अल्ला फरमाते हैं अन नबील वक़ल वल्लिलान वल्लिला अल्लाह की कसम व ईमान वाला नहीं अल्लाह की कसम वो ईमान नहीं लाया अल्लाह की कसम वो आदमी ईमान नहीं लाया तीन मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो आदमी ईमान नहीं लाया साहबा ने पूछा किला रसूल अल्लाह साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कौन 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 ईमान नहीं लाया कौन ईमान वाला नहीं है किसका ईमान ठीक नहीं है वाम रसोल्ला ही कल अदी लाजार बवा वो आदमी जिसकी शरारतों से जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज न रहे जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज न रहे इस हदीस को इमाम अलबुखारी ने किताबल अदब में रिवायत किया है इस हदीस से भी ये बात मालूम होती है आप दोनों हदीसों को मिला कर देखें अल्लाह के नबी सल्लास ने पहली हदीस में क्या कहा जो अल्लाह और आखरत पर ईमान रखता है वो पड़ोसी को तकलीफ ना दे पड़ोसी को तकलीफ देना ईमान से जोड़ के बयान किया जा रहा है ईमान अगर है तो नहीं देना चाहिए दूसरी हदीस में कहा कि अगर तकलीफ देता है अगर वो तकलीफ देता है उसकी शरंगेजियों से उसकी शरारतों से अगर उसका पड़ोसी अमन में नहीं है सलामत नहीं है तो ऐसा आदमी ईमान वाला नहीं है यानी ऐसे इंसान का ईमान कामिल नहीं है उसमें ऐसा नक्स है कि जिसकी वजह से वो जहन्नम में जा सकता है उसके ईमान में ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो जहन्नम में जा सकता है लिहाजा इस हदीस से बात मालूम हुई कि एक आदमी अगर वाकई ईमान वाला है तो पड़ोसियों को सलामती देने वाला होगा इसी तरह से आप देखें कि दुनिया में इंसान दूसरों पर जुल्म क्यों करता है उसे पकड़ का डर नहीं होता है जब किसी इंसान के हाथ में ताकत आती है इकतदार आता है चाहे वो मालदार हो चाहे सियासी ताकत उसके पास हो ऐसा इंसान सियासी ताकत पाकर दूसरों पर जुल्म करने लग जाता है ऐसा इंसान जिसके मानने वाले बहुत हों बड़ा मरतबा हो उसको कोई पकड़ने वाला ना हो उसके हाथ में सियासी ताकत हो या किसी एतबार से अकतदार हो ऐसा इंसान कमज़ोरों पर जुल्म करता है कमज़ोर ऐसे इंसान से महफूज नहीं रहते लेकिन ऐसे इंसान के दिल में अगर अल्लाह ताला का डर आ जाए आखरत का खौफ आ जाए अल्लाह की आज़मत का एहसास इंसान को हो जाए तो ऐसा इंसान चाहे कितनी भी ताकत पाए हुए हो ऐसा इंसान दूसरों पर जुल्म नहीं करता मालूम हुआ कि कमज़ोरों की सलामती सिर्फ कानून के मजबूत होने में नहीं है क्योंकि बाज़त कानून ऐसे लोगों के हाथ में होता है जो खुद बुरे होते हैं बाज़त सियासी ताकत और हुकूमत खुद ऐसे लोगों के हाथ में होती है जो अखलाकी बिगाड़ में के शिकार होते हैं तो फिर इंसान सलामत कैसे रहेगा उसको सुधारने का तरीका क्या है उसको बचाने का तरीका क्या है जब जज ही बिगड़ा हुआ हो जब पुलिस ही खराब हो जब ही जालिम हो अब बताइए कैसे सलामत रहेगा इंसान तो मालूम युवा कि जब तक के अंदर रोकने वाली ताकत ना हो बाहर की ताकत वाकई काम कर सकती है नहीं बात एक इंसान ताकतवर होता है पुलिस उस तक पहुंचती भी है कानून उस तक पहुंचता भी है लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेता है तो ऐसे इंसान से बचने का रास्ता क्या है ऐसे लोगों को बनाने का रास्ता क्या है रोकने का रास्ता क्या है सियासी ताकत नहीं ऐसे लोगों को रोकने का ताकत का तरीका और रास्ता अंदर की ताकत है ईमान के ज़रिए से ऐसे इंसान को आ फिर चाहे वो घर में हो बाज़ार में हो जंगल में हो कहीं भी हो पहाड़ के ऊपर हो ऐसा इंसान जब अल्लाह से डरने वाला बन जाए तो ऐसा इंसान फिर किसी पे जुल्म नहीं करता चाहे कितनी ताकत उसके हाथ पर क्यों ना हो अल्लाह के नबी वसल्लम के एक साथी सहाबी हैं अबू मसूद अबू मसूद अंसारी कहते हैं कुन तो अगरीब अगरीब गुलामी सऊत मैं अपने गुलाम को चाबुक से मार रहा था उस जमाने में गुलामों की हालत क्या थी आप जानते हैं आदमी जो चाहे करता था कान काट दे तो कोई पकड़ने वाला नहीं था गुलाम का समाज में कोई उसको रोकने वाला नहीं था कि क्यों किए ऐसा उसका गुलाम है तो कान काटे या ना काटे उसकी मर्जी इतना ज्यादा मजलूम गुलाम उस समाज में थे कहते हैं कि मैं अपने गुलाम की पिटाई कर रहा था कोड़े से फमे तो सऊ सऊ तमिन खलफी मैं अपने पीछे से मैंने एक आवाज़ सुनी है एलम अबा मसूद एब मसूद अच्छी तरह जान लो अच्छी तरह जान लो कहते हैं फलम अफ हम सऊता मिन गदब इतना गुस्सा मुझको था फलम अफ हम सऊथ मुझे आवाज़ समझ में नहीं आई कि बात क्या है कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है खाली आवाज़ सुनाई दी क्योंकि सुनाई तो दी लेकिन समझ में नहीं आया बाज़ात आदमी इतने गुस्से में होता है कि जो रोकने वाले जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं जाता है इतना गुस्से में थे कहते फलम अफ हम सौ काला फलमिन्नी इधा हुआ रसूल सल्ला लेकिन बोलने वाला जब मुझसे करीब आया तो मैंने देखा तो देखा वो अल्लाह के रसूल सल्ला है कहते हैं कि फलमिनी हुआ रसूल सल्लाकू फसूद एलम अबा मसूद अल्लाह के रसूल सल्ला कह रहे थे एब मसूद अच्छी तरह जान लो एब मसूद अच्छी तरह जान लो कहते हैं फ अल्क़ तो सऊता मिन यदी मिन हैबती ही अल्लाह के नबी सल्ह की हेबत मुझ पर इतनी तारी हो गई कि मैंने मेरे हाथ से वह लकड़ी या वो चाबुक गिर गया मेरे हाथ से वो सऊत वो हंटर गिर गया नीचे मसूद आपने फरमाया एब आप मसूद अच्छी तरह जान लो अल्लाह अक्दर लोकदर इस लड़के पर तुम जितने कादिर हो उससे ज्यादा अल्लाह तुम पर कादिर है तुम जो चाहे इसके साथ कर सकते हो इसको पीट सकते हो उसको मार सकते हो उसको जो चाहे कर सकते हो अल्लाह त इससे ज़्यादा तुम पर कादिर है अल्लाह भी तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता है इसकी ग़लती हुई इसलिए तुम उसको सजा दे रहे हो तुमसे गलती हुई अल्लाह तुमको भी तो सज़ा दे सकता है तो जितना तुम इस पर परदिर हो इससे ज़्यादा अल्लाह ताला तुम पर कादिर है। कहते हैं कुल तू फुल तू ला और गरीब व ममलूक पैदा हुआ फ़ौर कहने लगे अल्लाह के रसूल इसके बाद मैं कभी किसी गुलाम को नहीं मारूँगा मैं इसके बाद कभी किसी ग़ुलाम को नहीं मारूंगा और एक रिवायत में फ़रमाते हैं कि उन्होंने कहा या रसोल्ला हुआ, 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 हुआ कहा कि अल्लाह के रसूल ये मैं अल्लाह की खातिर इसको मैं आज़ाद कर रहा हूँ इस गुलाम को न सिर्फ ये कि मैं किसी गुलाम को नहीं मारूंगा आज के बाद बल्कि इस ग़ुलाम को भी मैं अल्लाह की खातिर आज़ाद किए देता हूँ फकालम तफ़ालफ कन्नार आपने फरमाया कि अगर तुम ऐसा नहीं करते इसको आज़ाद नहीं करते तो तुम्हें जहन्नम की आग छू लेती है। लिपट जाती तुमसे और एक रिवायत में लमसत का नार तुमको अल्लाह की तरफ से सज़ा के तौर पर आग छू लेती लिपट जाती है इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुल किताबलाईमान में जिक्र किया है अल ईमान अलआमान आप देखेंगे कि इस हदीस से क्या मालूम होता है इस वाक़े से क्या मालूम होता है कि एक इंसान गुस्से में है गुलाम ने गलती की वो कमज़ोर हैं ये ताकतवर है ये उसको मार पीट रहा है रुकने की वजह क्या है न सिर्फ ये कि वो रुक जाता है आइंदा के लिए भी आज़म करता है कि आज के बाद कभी नहीं मारूंगा, और इतना ही नहीं बल्कि ये जिसके साथ मैंने बुरा सलूक किया इसकी पिटाई की मैं इसको आज़ाद किए देता हूँ कमज़ोरों के लिए सलामती ईमान में है जब तक के समाज में अल्लाह का खौफ नहीं आएगा वो समाज सलामत नहीं हो सकता है अगर कानून का खौफ आएगा एक हद तक सलामती आ सकती है कब तक जब पुलिस सामने है जब सी दिखाई दे रहा है जब तक के डर है कि मैं पकड़ा गया तो छूटूंगा नहीं लेकिन अगर यकीन हो मेरे बात करेक्शंस है कौन पकड़ेगा मुझको पुलिस घर पे आएगी चाय पिला के भेज दूंगा कोर्ट में जाएगा मामला पहचान के लोग हैं रिश्वत दे के मैं छूट जाऊंगा कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा वकील है सारा मामला निपट लेगा मुझको बोलने की भी जरूरत नहीं जुबान भी खोलने की जरूरत नहीं जब इंसान के पास ताकत होती है तो उसकी जरूरत बढ़ जाती है फिर वो जुल्म करने लगता है लेकिन जब अब ये डर कानून का हो वो महदूद है फिर आदमी जब कानून का डर होता है तो जुर्म इस तरह से करता है कि पकड़ा ना जाए फिर वो चालाकी इस्तेमाल करता है कि मैं करूं भी और पकड़ा ना जाऊं लेकिन जब इंसान को यकीन इस बात का हो कि मैं अंधेरे में जुल्म करूं या उजाले में बाजार में जुल्म करूं या तन्हाई में अल्लाह ताला मुझको देख रहा है और अल्लाह ताला की के देखने से मैं छुप नहीं सकता और अल्लाह ताला अगर सज़ा देना चाहें तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी मुझको बचा नहीं सकती है फिर मेरा क्या होगा ये डर अगर इंसान के दिल में आ जाए तो ऐसा इंसान ऐसे समाज में भी सही चलता है जिसमें कोई कानून नहीं है ऐसे समाज में भी वो इंसान सही चलता है जहां कोई कानून उसको पकड़ने के लिए आगे नहीं आता है तो ये जो चीज है ये ईमान का नतीजा है कि एक इंसान जब उसके दिल में ईमान हो तो लोग कमजोर लोग उससे सलामत होते हैं हमेशा से आप देखिए गुलाम का मामला आया हमारे मुल्क में हो या पढ़े लिखे मुल्कों में हो हमेशा से ये नस्ल छोटी वो नस्ल बड़ी गोरे रंग वाले आला काले रंग वाले घटिया अफ्रीका के हबशी ये गिरे पड़े लोग होते हैं अमेरिका के यूरोप के लाल रंग वाले गोरे सफेद चमड़ी वाले ये आला होते हैं ये ऊंची नस्ल है ये निचली नस्ल है ये इंसान है ये बंदर की तरह है इस तरह से भी लोग जो हैं उनके साथ ट्रीट किए और सालों से कालों के साथ में जुल्म होता हुआ होता आया नस्ली फर्क की वजह से हमारे मुल्क में देखिए हमारे मुल्क में देखिए आप कि एक कौम को दलितों को या जिसको आप शूद्र कहते हैं जो लोग इन लोगों को हमेशा से लोग पीसते आए हैं क्यों इसलिए कि ये निचली कौम है ये घटिया लोग हैं दूसरे लोग क्या हैं आला लोग दूसरा तबका समाज का क्या है ऊंचा है ये निचले लोग हैं इस तरह से इंसान नस्ल की बुनियाद पर कौमियत की बुनियाद पर यहूदी आला कौम बाकी सब घटिया कौमियत की बुनियाद पर इलाक़त की बुनियाद पर फलाँ इलाके वाले आला हैं दूसरे घटिया हैं हमेशा से लोग जो ताकतवर जो अपने को आला समझते रहे वो दूसरों पर जुल्म करते रहे इसकी वजह से कई जाने गई माजी से लेके आज तक आप देखेंगे उसकी तफसीत में मैं नहीं जाना चाहता कि घटिया नस्ल वाले कमतर समाज में लोग और पैदाइशी एतबार से कमतर रंग की बुनियाद पर नस्ल की बुनियाद पर कौम की बुनियाद पर समाज के तबकात पर हमेशा से जुल्म होता रहा है इनमें अगर सलामती इनके लिए सलामती का रास्ता क्या है इनके लिए सलामती का रास्ता यह है कि लोगों के जहन में ये हकीकत आए कि सारे लोग पैदायशी एतबार से बराबर होते हैं रंग व नसल की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होती है अल्लाह तला ने सबको बराबर पैदा किया है हां अगर फर्क हो सकता है तो दीनदारी की बुनियाद पर कि अच्छा इंसान कौन है बुराइयों से बचने वाला इंसान कौन है इस अकीदे की बुनियाद पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर ये फर्क क्यों रखे इनको गोरा क्यों बनाया इनको काला क्यों ताकि तारफ हो कोई किसी से आला घटिया इस बुनियाद पर नहीं है एक इंसान रंग में काला है लेकिन वो गोरे से भी बढ़ सकता है दीनदारी में अच्छाइयों में सलाहियतों में और तकवा में दीनदारी में वो उससे बेहतर इंसान हो सकता है अल्लाह के नज़दीक उसका बड़ा मकाम हो सकता है ये तस्वुर इस्लाम में दिया गया है कि रंग की बुनियाद पर नस्ल की बुनियाद पर ख़ानदानों की बुनियाद पर ऊँच नीच इस्लाम में नहीं है अल्लाह ने सबको बराबर पैदा किया है एक माँ बाप की औलाद है अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता या खलकना व उनसा ए लोगो हमने तुमको एक मर्द औरत से पैदा किया मालूम है कि सारे काले गोरे नीले पीले जितने भी हैं सुर्ख रंग वाले हों गोरी चमड़ी वाले हों काली चमड़ी वाले हों मोटी चमड़ी वाले हों एकदम अच्छी मुलायम चमड़ी वाले हों सारे के सारे कहाँ से आए दो लोगों से एक बाप एक माँ एक जोड़ा था जिससे सारे लोग पैदा हुए सब बराबर हैं उनका सारों का सिलसिला जाकर आदम व से जुड़ता है या أيها الناس खलक خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم व وقبائل لتعارفوا. और हमने तुमको कुंब कबीलों में तकसीम कर दिया फैला दिया तुमको क्यों ताकि एक दूसरे पर जुल्म करें ताकि एक दूसरे पर फोकियत जताए नहीं लियारफ हो ताकि पहचान हो बस कि ये फला कौम है ये फला इलाके के ये लोग ये फला लोग हैं पहचान हो बस इसमें कोई किसी के ऊपर अवगल नहीं है आगे इसी गलत फहमी को दूर कर, करते हुए फरमाया इन अक्रम इन अल्लाकुम तुम्हें ज्यादा शर्फ वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जो ज्यादा परहेजगार है ज्यादा गुनाहों से बचने वाला है ज्यादा तकवा वाला है इन अल्लाह ला खबीर यकीन अल्लाह ताला इल्म रखने वाला है ख़बीर है इस सूरह अल इसल की आयत नंबर ग्यारह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन अल्लाह कद अबाहली अल्लाह ताला ने जाहिलियत के घमंड को तुमसे हटा दिया है जाहिलियत में लोग क्या करते थे हमारा खानदान ज़बरदस्त तुम्हारे से बढ़कर सारे इलाके में हमारा ख़ानदान सबसे अच्छा ऊँचा टॉप बेस्ट सबसे अच्छे हम लोग आला नस्ल के कहा कि अल्लाह जाहिलियत के घमंड को मिटा दिया व फ़ख्रहा बिल आबा और बाप दादा पर फख्र करने को अल्लाह ने ख़त्म कर दिया इस्लाम में नहीं है वो इस्लाम में नहीं नहीं चलेगा अब क्या है इन नमा हुआ ममिनत शकी। अब बस डिवीजन दो ही हैं अब तफरी क्या है ऊंच नीच कुछ नहीं अब अगर लकीर खींच सकते हैं इधर जाओ इधर आओ दो ही बुनियादों पर इमा इन नमा हुआ तकी अब या तो इंसान ईमान वाला मुत्तकी परहेजगार है या फिर फाजर शकी, ना मुराद नाकाम फाजर व फासिक है या तो नेक है या तो बद है ईमान वाला है या काफिर है दो में से एक है तफरीक है तो ऐसी है बस अन्नासुक हम बनु आदम लोग सब के सब आदम की औलाद हैं वह आदम व खुल तुराब और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था आदम मिट्टी से पैदा किए तो जितनी भी कोई भी अपने आप को ऊंची वाला मानता है वो मिट्टी से पैदा हुआ है जो कदमों के नीचे आती है वो कोई आसमान से इस तरह की खास चीज उसके लिए नहीं आई वो अल्लाह ताला ने इसको किससे पैदा किया जमीन की मिट्टी से पैदा किया है तो अब देखिए थिरमी की रिवायत तो कितनी प्यारी रिवायत है कितनी प्यारी हदीस है और ये इस्लाम है आज अमरीका जैसा मुल्क भी इसको मिटा नहीं सका इतना पढ़ 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 के फिर पढ़ रहे हो लोग लेकिन अभी भी पीछे हैं इस मामले में हल उनके पास नहीं आया जबकि आज से 1400 साल पहले मस्जिद नबी जो मुसलमानों का आलमी मरकज थी उसका मुआजे कौन था हबशी बिलाल रज़ी अल्लाह तुम उनके बुलाने पर लोग नमाज को आते थे उनकी इमा इमामत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे से निकलते थे आप सोचिए तो ये जो चीज़ है इस्लाम ने इसको ख़त्म कर दिया आज हमारे मुल्क में या दूसरे मुल्कों में आप देखिए कितने कत्ल होते हैं इसी बुनियाद पर कि ये कमतर नस्ल का था इसने हमारे कुएं से कैसे पानी लिया ये घटिया ख़ानदान का था ये कमतर जो है पैदाइश का है ये हमारे इस्कुल में कैसे आया ये फला चीज़ को छू नहीं सकता इसके सा से भी हमको बचना है ये काले रंग वाला है ये हमारी बराबरी भी नहीं आ सकता इसको जॉब नहीं देना चाहिए इसको बड़ा अहदा नहीं देना चाहिए आज भी ये चीज है लेकिन आज इस्लाम में आप देखिए हरम में आपको दिखाई देता है ऐसा कहीं कहीं नहीं दिखाई देता हरम में आपको नहीं मिलेगा ऐसा जो मरकज है पूरी दुनिया का सारे मुसलमान बिल्कुल एक साथ सफ़ में खड़े हुए हैं और कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं काले गोरे हर कौम और नस्ल के लोग वहां पर एक साथ मिल अल्लाह की इबादत करते हैं ये मंजर आपको कहाँ मिलेगा ये मंजर आपको कहाँ मिलेगा और किसी के दिमाग में भी नहीं आता ये घटिया हम बेहतर है अरब के बाज़ू में बल्कि अरब पीछे होगा और इमामत करने वाला कोई हबशी होगा और वो उसकी कंपनी में जॉब पे भी होगा ये कहाँ से आया ये इस्लाम की नेमत है ये उस अल्लाह की अजमत और उसके दीन के कबूल करने का नतीजा है जो सारे इंसान के लिए खैर इंसानियत के लिए खैर है तो ये बात याद रखने की है इसी तरह से इंसानियत को सलामती न मिलने के असबाब में से एक सबब फ़्र फाका भी है फ़्र फाका भी है और इसकी वजह से भी इंसान दूसरों को तो करता ही करता है कत्ल, माल छीना, चोरी करते हुए उसको कत्ल कर दिया डाका डाला मार डाला लेकिन अपनी औलाद को भी कत्ल करता है अपनी औलाद को उस ज़माने में भी होता था और आज भी होता है बेटों को भी और बेटियों को भी और ख़ास करके हमारे मुल्क में बेटियों को ज़्यादा कुछ लोग बताते हैं कि हिंदुस्तान में लड़कियां घट रही हैं लड़के बढ़ रहे हैं उनको शादी करने को लड़कियां ही नहीं मिल रही ख़ास करके हरियाणा वगैरह को आप देखें वह लड़कियां ही नहीं मिल रही एक साथ इतनी सारी भीड़ बोल रही कहाँ लड़कियाँ हमको लड़कियाँ ही नहीं हैं क्यों इसलिए कि बेटी अगर होगी तो फिर उसको पढ़ाओ लिखाओ इतना खर्चा उसके ऊपर करो फिर दहेज इतना दो फिर शादी करने के बाद भी वो लोग उसको मांगेंगे प्रेगनेंसी होगी डिलीवरी होगी उसका खर्चा और उसके बावजूद भी दब के रहना पड़ेगा हम लड़की वाले वो लड़के वाले हैं उनके सारे ठाट बर्दाश्त करने पड़ेंगे इतना कौन करेगा भाई उसको दफन कर दो माँ के पेट पे ही तो ये जो चीज है फक्र और समाजी आर की वजह से बच्चों की जान महफूज नहीं बच्चियाँ महफूज नहीं इस्लाम ने अकीदा दिया कि इज्जत देने वाला जिल्लत देने वाला अल्लाह है जान डालने वाला अल्लाह है किसी को हक नहीं है जान लेने का माँ बाप थोड़ी ना जान डालते हैं वो तो अल्लाह जान डालता है तो अल्लाह की दीवी जान को कतल नहीं कर सकते और माल और दौलत देने वाला रिस्क देने वाला अल्लाह है तो पैदा हुआ तेरा रिस्क लाया तेरी औलाद पैदा हो तो रही वो उसका अपना रिस्क लेकर आ रही है उसका रिस्क तेरे तेरे पास नहीं है उसका रिस्क उसकी तकदीर में तुम मर भी गया तो अल्लाह देगा उसको तो तू पैसों के लिए रिस्क के खौफ से फ़कर व फाक़े के खौफ से अपनी औलाद को कतल मत कर ये जो अकीदा है तकदीर का अकीदा और अल्लाह के रजाक होने का अकीदा ये उन बच्चों की जान के लिए सलामती है जिनको आज हमारे मुल्क में बाहर भी अबॉर्शन के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं कत्ल कर रहे हैं वो लोग पैदा होने के बाद ज़मीन में दफ़न करते थे आज पढ़े लिखे लोग डॉक्टर के पास दवाखाने में जाके पेट में ही दफन कर रहे हैं ये पढ़ा लिखा तरीक़ा है दफन करने का वो जाहिलाना तरीक़ा था दफन करने का टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई लेकिन जाहिलियत अब भी बाकी है अपनी औलाद को कत्ल करना सोचिए तो अल्लाह ताला क़ुरान करीम में फ़रमाता है औला तुलद औलादकुम कश इमलाक अपनी औलाद को फ़क्र फाके के खौफ से कत्ल मत करो नहनु नरजुकुहुम व इयाकुम उन्हें भी हम रिस्क देते हैं और तुमको भी इन नत्ल हम क्या कबीरा उनका कत्ल बहुत बड़ा संगीन जुर्म है उनका कत्ल क्या है संगीन जुर्म है ये तुम्हारा इख्तियार नहीं है कि मेरा बच्चा है ना मैं चाहती हूँ आज वेस्ट में मसला बना हुआ है अमेरिका में लॉ अभी अभी उस ताल्लुक से उल्टा आया है वरना आप देखें वहाँ कहते हैं हमारा बच्चा है ना हमको ये राइट होना चाहिए कि हम अबॉर्शन करें या उसको पैदा होने दें वो औरत की मर्ज़ी है कैसे मर्जी है वो जान है वो ज़िंदगी है उस जिंदगी को कत्ल करना तेरी मर्जी कैसे हुई जब तेरी जिंदगी तेरी मर्जी के बगैर कत्ल कोई तुझको नहीं कर सकता सिर्फ इस वजह से कि वो पेट बच्चा है और उससे पूछा नहीं जा सकता तो उसकी जिंदगी का फैसला करें उसको कत्ल कर डाले नहीं कुरान में अल्लाह ताला ताला फरमाता है अरब के लोगों का हाल अल्लाह बयान करते फरमाता है कि जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी सुनाई जाती है तो उसके चेहरे पर अंधेरियाँ छा जाती हैं वल्लव वह वीम और वह अपना गम अपने सीने में छुपाए दबाए रहता है बहुत डिस्ट्रेस उसको होता है बहुत टेंशन उसको आ जाता है डिप्रेशन में चला जाता है हमारी मॉडर्न जुबान के अतबार से वो क्या होता है बेटी हुई के डिप्रेशन में चला जाता हो वलवजू मुसवदन चेहरे पर काली छा जाती है और वो बिल्कुल गम अपने अंदर छुपाए पिए जाता है यह तवारा मिन अलकौमी मिनसू इमा बुशर अभी है जो खुशखबरी उसको सुनाई गई है उसकी वजह से अपनी कौम में छुपता छुपाता फिरता है क्या हुआ बेटी अरे 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 बेटी हुई किसी आदमी को अगर तीसरी बेटी हुई तो खबर सुन के लोगों को देखी इससे ज्यादा उनको दुख होता क्या हुआ लड़का हुआ कि लड़की लड़की और कितने बच्चे हैं और दो बेटियाँ हैं तीसरी भी लड़की हुई हाँ हरीन यानी कोई बहुत बड़ा उस पर सदमा इसको सदमा हो जाता कि इसको दुख होता कि क्या फंस गए तुम ये मुसीबत में पड़ गया उस ज़माने में भी अरबों का हाल ये था कि बेटी पैदा होना एक गम की खबर थी तो अल्लाह ने फरमाया तवारा मिन अल कौमिन इमामबे है जो खुशखबरी उसको सुनाई गई है उस खुशखबरी की वजह से वो अपनी कौम में अपना मुंह छुपाता फिरता है आयुम अम अला अमदूफ तराब इसी सोच में रहता है कि उसे जिल्लत के साथ उठाए रखें पालता रहें दो में से एक ऑप्शन उसके पास होता है या तो जिल्लत के साथ में उस बच्ची को पाले उसकी तरबियत करें उसको संभाले ज़िंदा रहने दें अमुलसूफ तौराब या फिर उसको मिट्टी में दबा के दफन कर दे क्या करे सोचता रहता है कि क्या करूँ संभालों तो बड़ी जिल्लत होगी कॉम में बेटी वाला और नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है उसे जमीन में दफन कर दूँ आला सा कैसा बुरा फैसला है जो ये करते हैं अल्लाह ताला ने उन लोगों की बुराई बयान की है कि जो लोग रिस्क की वजह से रिज के खौफ की वजह से औलाद को कत्ल करते हैं या जो लोग समाजी आर की वजह से अपनी औलाद को कत्ल करते हैं बेटियों को कत्ल करते हैं अल्लाह रब्बुल ला आलमीन ने ऐसा दीन दिया जिसमें हमको ये बताया गया कि इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है और रिस्क का देने वाला अल्लाह है अगर दस बच्चियाँ भी पैदा हो जाएँ तो उसका रिस्क भी अल्लाह देगा अल्लाह ताला रिस्क का सब कुछ जो चरंदो परिंद को देता समंदर की मछलियों को देता आसमान में उड़ने वाले परिंदों को देता कीड़े मकोड़ों को देता वो तुझको उसको रिस्क नहीं देगा और माँ के पेट में कौन सी दुकान थी कौन सा मॉल था माँ के पेट में कैसे दिया वहाँ तो खाता भी नहीं था वहाँ जब रख के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिस्क दिया बेटे को भी और बेटी को भी तो अल्लाह ताला दुनिया में लाकर क्यों रिस्क नहीं दे सकता है जो माँ के पेट में रिस्क दे सकता है वह दुनिया के पेट में क्यों नहीं दे सकता और अगर इस वजह से कि बेटी को हम पालें तो मसला बन जाएगा हमारे लिए अगर सब लोग अपनी बेटियों को दफन करें और तेरी माँ को अगर दफन कर देते तेरे नाना दाद नानी तो तू आता दुनिया में तो बेटा भी तो पैदा होता बेटी से ही ना मर्द भी पैदा होता है औरत से औरतें खत्म हो जाए तो मर्द भी आना बंद हो जाएंगे तो ये सोचने की चीज है कि एक इंसान आज पढ़ा लिखा इंसान है और ये सर्वे ये है कि जाहिलों से ज्यादा पढ़े लिखे घरों में अबॉर्शन होता है सोचिए आदमी सोचेगा जाहिल लोग करते होंगे ऐसा नहीं जाहिल हिम्मत वाला होता है ए अल्लाह पालने वाला है पढ़ा लिखा अरे क्या होगा मेरी पेमेंट इतनी हाँ मेरा पैकेज इतना बीवी इतना कमाती मैं इतना कमाता और हम दोनों का मिला के लोन पे घर लिया हुआ है उसके इतने इंस्टॉलमेंट्स है ये जाहिल है ये पढ़ा लिखा जाहिल है जो इतना नहीं जानता कि रिस्क देने वाला कौन है अल्लाह रबुल है ये जो ईमान है ये अगली नस्ल के लिए सलामती का जरिया है तकदीर पर ईमान अगली नस्ल के लिए अमन सलामती का ज़रिया है औरत को देखिए औरत हमारे माशरे में सलामती के साथ नहीं जीती अक्सर उसके साथ जुल्म होता है ख़ास करके घरों में बाज़ात जाहल माँ बाप उस पर जुल्म करते हैं और बाज़ अवत शोहर भी उस पर जुल्म करता है माँ बाप शोहर आम तौर से जहालत की वजह से अपनी औलाद पर म करते हैं बच्चियों को उनकी जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता बच्चियों को उनकी जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता बच्चियों के बहुत सारे हकूक़ हैं जिनसे उनको महरूम किया जाता है उनके ज़िम्मे घर के बहुत सारे मामलों आते हैं जो ज़बरदस्ती उन पर थोंपे जाते हैं बहुत से फैसले निकाह के मामला भी उन पर थोंपे जाते हैं ज़बरदस्ती उनका निकाह कर दिया जाता है उनकी कोई पसंद नहीं देखी जाती हम इसके हक़ हाँ में नहीं कि लड़की जा ख़ुद पसंद करके माँ बाप को आके बोले मुझको पसंद या मैं करके आई निकाह उससे नहीं ऐसा निका नहीं होता है लेकिन ये भी जुल्म है बच्चियों की ख्वाहिश के खिलाफ उनकी शादियां कर दी जाएं और उनसे पूछा भी नहीं जाए कि उसको पसंद है नहीं है क्या है इस्लाम ने बच्चियों से भी इजाज़त लेने का हुक्म हमको दिया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक निकाह ऐसा हुआ उस औरत ने शिकायत कर दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो आपने उसको इख्तियार दिया और आपने उस निकाह को क्या कर दिया खत्म कर दिया क्योंकि उसकी ज़बरदस्ती उसका निकाह हुआ था तो इस तरह के मामला में चाहे बच्चियों का मामला हो चाहे बीवी का मामला हो बीवी के ऊपर शोर का जुल्म कितने शोर ऐसे हैं जो बात बात पर बीवी को जलील करते हैं सिर्फ इस वजह से कि दहेज नहीं आया सास भी उसकी नाक में दम कर देती जब भी झगड़ा हो दहेज का मामला आ जाता कुछ भी नहीं लाई फकीरों के घर से उठ के आई है उसको ताना दिया जाता है शोर भी मारपीट करता है जब भी इसका बिजनेस नहीं चलता है भेज देता मैं के, मार पीट के जाओ कुछ लेके आओ वहां से कितने बेगैरत लोग ऐसे हैं समाज के अंदर अल्लाह के नबी वसल्लम बताते हैं ऐसे आदमी का ईमान ही ठीक नहीं है इसको भी ईमान से जोड़ा गया अल्लाह के रसूल वसल्लम फरमाते हैं अकमल ईमान रुकुमिया इमाम अतिर मिदी और हिब्बा ने इसको रिवाज किया अल्लाह के वसल्लम फरमाते हैं ईमान वालों में सबसे कामिल ईमान वाले वो हैं जो उनमें अखलाक में ज़्यादा अच्छे हों ईमान वालों में सबसे कामिल ईमान वाले वो हैं जो अखलाक में अच्छे हों और तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो अखलाक में अपनी औरतों के लिए अच्छे हों अगर ये बात इंसान याद रखे कि एक इंसान अच्छा तभी करार पाता है जब अपने घर की औरतों के साथ अच्छा हो चाहे फिर वो बीवी हो जो बुनियादी ताल्लुक़ इंसान का होता है जो पहला ताल्लुक था आदम आदमोह हव्वा का फिर चाहे वो माँ के रूप में हो वो बेटी के रूप में हो वो बहन के रूप में हो अगर उनके साथ इसका सलूक अच्छा नहीं है तो ऐसा इंसान अच्छा नहीं है और जब ऐसे इंसान का अखलाक अच्छा नहीं है जिस इंसान का अखलाक अच्छा नहीं है तो उस इंसान का ईमान अच्छा नहीं है मालूम हुआ कि ज़िंदगी में जब सही ढंग से ईमान आता है तो इंसान का अखलाक अच्छा होता है और सबसे तो अच्छा होता ही है खूस वो समाज का सबसे कमज़ोर तबका औरत उनके साथ अच्छा होता है आप देखिए हर समाज में औरतों के साथ इसल होता आया है हती के आज के इस जदीद दौर में भी जिसमें औरतों के हकूक़ की बात की जाती है वो भी इस्तेसाल हैं औरत को आने दो बाहर आइए एडवर्टीजमेंट एजेंसी में आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है आप कम कपड़े पहनो फोटो निकालो साबुन के साथ टायर के साथ पंखे के साथ आपको हम अपनी चीजें बिकवाने के लिए हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे यह भी औरत का इस्तेसाल है यह भी औरत पर जुल्म है कि औरत को वर्गलाकर आजादी के नाम पर नुमाइश की चीज बनाना कोई बड़ा अहदा औरतों को नहीं मिलता सब छोटे छोटे अहदे मिलते हैं लेकिन औरत की आज़ादी के नाम पर औरत का इस्तेसाल किया जाता है तो पुराना दौर और नया दौर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर खाली औरत का फ़ायदा उठाना उस पर जुल्म करने की सूरतें बदल गई हैं तो हदीस में ये बताया गया है कि ईमान का तकाजा है कि इंसान का अखलाक अच्छा हो और ईमान का तकाजा है कि एक इंसान औरतों के साथ अच्छा सलूक करने वाला उन पर जुल्म करने वाला ना हो उनके हकूक अदा करने वाला हो जब इंसान के अंदर ईमान होगा अल्लाह से डर के बहनों की जायदाद देगा उसका हिस्सा देगा ईमान इंसान का सही होगा औरत पर जुल्म नहीं करेगा उसका हक अदा करेगा उससे अच्छा सलूक करेगा ईमान दिल में होगा पराई औरतों को छेड़खानी उनके साथ नहीं करेगा नौजवान चौराहे पर बैठ आती जाती बच्चियाँ कोई कॉलेज जा रही कोई बाजार ख़वान जा रही हैं बुरक़े में कोई है कोई पड़ाए दूसरों दूसरे दीन धर्म की बच्चियाँ हैं उनको देख के उनका उनका मजाक उड़ा रहा है कोई पत्थर मार रहा है कोई कंकरियाँ मार रहा है कोई फूल मार रहा है कोई डांट मार रहा है कागज़ के कोई आवाज़ दे रहा है छेड़खानी कर रहे हैं हती के मामला यहाँ तक चला जाए कि किसी के साथ जिनाकारी भी हो रही है उस पर म भी हो रहा है किसी के साथ में उसको छेड़ा जा रहा है कॉलेज़ के अंदर जॉब्स में कोई औरतें हैं तो उनके साथ इस तरह का मामला हो रहा है मोमिन वो हैं जिससे ख़वातीन सलामत रहें ये ईमान का तकाजा है कि एक इंसान घर की औरतें हों या बाहर की औरतें हों उनके लिए वो शर वाला ना बने बल्कि उनके लिए हिफ अमान बने कि पराई औरत से निगाह झुका ले उसकी इज्जत की हिफाजत करें न कि ये उसकी इज्जत को ख़राब करने वाला हो तो ये ईमान का तकाजा है जिससे दूसरे महफूज रहते हैं इसी तरह से आप देखेंगे आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि समाज में एक सलामती ख़त्म होने का एक मामला ये भी होता है कि किसी ने आपके साथ जुल्म किया तो आप इंतकाम उससे लेते हैं और सिलसिला जारी रहता है एक आदमी ने फुला को मारा कत्ल किया या उसको अजियत पहुँचाई हाथ पाँव तोड़ दिए उसके अब उसके खानदान वाले क्या करते हैं ठीक है हमारे भाई को हमारे दोस्त को हमारे चचा को हमारे बाप को उन्होंने ऐसा किया हम उसके ख़ानदान वालों पर जुल्म करेंगे फिर वो जाकर उसके भाई का कत्ल करेगा वो जाकर उसके बाप के हाथ पांव तोड़ेगा वो जाकर उसके बच्चों का कत्ल करेगा इस तरह से इंतकाम समाज के अमन और अमान को ख़राब करता है लेकिन जिस इंसान को ये बात याद हो कि अगर मैं दूसरों को माफ़ करूँ तो अल्लाह मुझको माफ़ करेगा जिस इंसान के दिल में ये ईमान हो कि माफ़ करने वालों को अल्लाह माफ़ करता है और अल्लाह ताला माफ़ दुनिया में एक इंसान दूसरों को माफ़ करे आखिरत में अल्लाह ताला इसकी गलतियों को गुनाहों को माफ़ करेगा अगर ये दिल में इंसान के है तो दूसरों को माफ़ करने वाला बनता है और मुआफी के नतीजे में समाज में सलामती आती है अगर हर आदमी बदला लेने लगे आप बताइए समाज सम, सलामत रहेगा नहीं समाज में हमेशा ग़लती करने वाले लोग रहेंगे कभी जानबूझ के कभी अनजाने में भी गलती होगी और उससे किसी का नुकसान होगा किसी को तकलीफ़ होगी लेकिन अगर हर आदमी उस तकलीफ़ का बदला लेने लगे तो समाज में बिल्कुल एक बहरान पैदा होगा क्यास आएगा अगर समाज में लोग माफ़ करने वाले बने तो ऐसा समाज सलामत रहता है और माफ़ी की बुनियाद क्या है क्या मिलेगा ये ईमान के नतीजे में इंसान को मिलता है कि अगर मैं इसको दुनिया में माफ़ करूं तो अल्लाह ताला आख़रत में मुझको माफ़ करेगा अगर मैं इसकी ग़लती माफ़ करूं, अल्लाह मेरी गलतियां माफ़ करेगा ये मिजाज ईमान के नतीजे में बनता है अल्लाह ताला क़ुरान करीम में फरमाता है वलियाफ़ु वलियाफ़ु ई ईमान वालों को चाहिए कि वो दरगुजर का मामला करें और माफ़ कर दिया करें माफ़ करें दरगुजर करें दूसरों की ग़लतियों और उनकी ज़्यादतियों पर अला तो हिब्बू नया क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मफफरत करे ईमान वालों को चाहिए कि वो माफ़ करें दरगुजर करें दूसरों की ज्यादियों को क्या तुम ये बात पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको माफ़ करे, अल्लाह तुम्हारी मकफरत करे? अल्ला तो हिब्बू फिर अल्लाकुम अल्ला गफ़ुररहम यकीन अल्लाह बड़ा मफ़रत करने वाला रम करने वाला है इरहम अर्द इरहम को मनफिल समा तुम जमीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा ये जो मिजाज है ये ईमान के नतीजे में पैदा होता है और इसके नतीजे में समाज में अमन सलामती आती है लिहाजा इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ करना सिखाया कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को इंसाफ चाहिए होता है लेकिन मिलता नहीं इंतकाम लेने की भी ताकत नहीं होती है और वह आदमी अंदर से तड़प के रह जाता है कि मेरे पूरे ख़ानदान के ख़ानदान को फसाद में कत्ल कर दिया गया और मेरा क्या हुकूमत मेरा केस कबूल ही नहीं कर रही तो अब मेरा इंसाफ कहाँ मिलेगा अगर ईमान ना हो तो ऐसा इंसान या तो बगावत करेगा या फिर ऐसा इंसान खुद जो है जहनी यानी बीमारियों में मुबला हो जाएगा डिप्रेशन में चला जाएगा ऐसे ऐसे लोग कभी भी यानी उस मुसीबत से निकल नहीं पाते हैं ईमान है जो इंसान को उम्मीद दिलाता है ठीक है दुनिया में इंसाफ़ नहीं मिला ना, आख़रत में मिलेगा ये जो एहसास है इंसान को हिम्मत हारने से बचाता है ऐसा इंसान जो अपने ऊपर अपने घर वालों पर अपने मुतालिकीन पर हुए जुल्म का बदला चाहता है लेकिन दुनिया में उसको इंसाफ नहीं मिलता है तो ऐसे इंसान के लिए ईमान एक ताकत बनता है एक तस्कीन और एक मरहम बनता है कि दुनिया में नहीं मिला ना आखरत में मिलेगा अल्लाह ताला कुरान क़रीम में फरमाता है वला तहसबन ज़ालिम दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं तुम लोग ऐसा मत समझना कि अल्लाह ताला उससे गाफिल है तो इस गुमान में मत रहना इस धोखे में मत रहना इस गलत फहमी में मत रहना कि जालिम दुनिया में जो कुछ भी शरपसंदी कर रहे हैं शर्म चा रहे हैं अल्लाह ताला उससे गाफिल है अल्लाह नहीं देख रहा है ऐसा नहीं अल्लाह देख रहा है इन नमा तश अबसार। अल्लाह ताला उन्हें एक ऐसे दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें निगाहें उठी की उठी रह जाएंगी हैबत से आंखें खुली की खुली रह जाएंगी सब लोग घबराए हुए होंगे उस दिन खास करके वो लोग लो लो जिन्होंने दुनिया में दूसरों पर म सितम किए थे तो ऐसा मत सोचना कि अल्लाह ताला को मालूम नहीं दुनिया में क्या हो रहा है ऐसा मत समझना कि तुझ पर जो म हुआ है वो अल्लाह ताला के इल्म से ये चीज़ गायब है या अल्लाह उससे गाफिल है नहीं अल्लाह तर चीज़ को जानता है हर चीज़ को देखता है फिर क्यों नहीं मिल रहा दुनिया में इंसाफ क्यों ालिम फल रहे फूल रहे यहाँ पर क्यों उनको ताकत मिल रही है यहाँ पर क्यों वो बचे हुए हैं क्यों महफूज हैं अल्लाह ताला ने दुनिया में उनको मोहलत दी है दुनिया की ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो जाएगी कयामत का दिन कायम होगा अल्लाह ताला उस दिन हर उस इंसान को इंसाफ़ दिलाएगा जिसको दुनिया में इंसाफ़ नहीं मिला ऐसा इंसान जब उसका ईमान ही होता है आज नहीं तो कयामत के दिन इंसाफ़ मिलेगा ऐसे इंसान के लिए उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद इंसान को मायूस होने से टूटने से या फिर इंसान को फटने से बचाती इसको याद रखिए अगर इंसान मायूस नहीं होता है उम्मीद रखता है तो उम्मीद इंसान को टूटने से या फटने से बचा लेती है या तो आदमी टूट जाता है या फिर गुस्से से गम गु़स्से से फट जाता है और समाज में मुजरिम बन के दूसरों पर जुर्म करने लगता है तो ये दोनों जुर्म हैं दोनों बुराइयां हैं मायूस हो जाना भी बुराई है और इसी तरह से इंसान का दूसरों पर म करना शर बन जाना बिगड़ बन जाना मुजरिम बन जाना बिगड़ना ये भी बुराई है लेकिन जब इंसान के पास उम्मीद होती है आख़रत की आख़रत की उम्मीद उसे दूसरों के लिए सलामती वाला बनाती है ऐसा इंसान दूसरों पर म नहीं करता और ऐसा इंसान मायूस हो के ख़ुदकुशी भी नहीं करता बहुत सारे लोग ऐसे मामलों में इतना ज़्यादा उनको डिप्रेशन एंगजाइटी और इतनी ज़्यादा उनको स्ट्रेस होती है कि बहुत सारे लोग इस तरह की खुदकुशी भी कर लेते हैं तो ये उनके लिए भी सलामती बनती है उम्मीद है लिहाजा एक इंसान ये बात याद रखे कि ईमान हिफाजत है ईमान हिफाज़त है ईमान के ज़रिए से आख़रत में भी सलामती मिलती है और ईमान समाज में सलामती लाता है अल्लाह रब्लम हम सबको इस बात के समझने की तोफ़ी दे और लोगों को ईमान की तरफ बुलाने अल्लाह का सही तारफ़ कराने अल्लाह ताली की कुदरत और उसकी रहमत की का तारफ़ लोगों को कराने और आखरत की हौलनाकियाँ और आखरत पर यकीन की तरफ़ लोगों को लाने की हम सबको तोफीक अदा फरमाएँ अकूल वस्तफ़ी वलकुम